वेलकम दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आजकल मार्केट के अंदर जो बैटरीज है ना भाई, उनका प्राइस कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। तो गैस आज हम लोग एलोवेरा की मदद से बनाने वाले हैं बैटरी। और गैस ये जो बैटरी है ना, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाली है और इसको बनाने के अंदर जो खर्चा होगा ना, वो 0 रुपये होगा। आप लोगों की जेब से 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है। तो चलिए गैस करते हैं हमारा आज का वीडियो स्टार्ट। ऑलराइट दोस्तों, हमको सबसे पहले बैटरी बनाने के लिए 4 सेल की ज़रूरत पड़ेगी। गाइस घर के अंदर जो घड़ी के अंदर जो सेल लगाए जाते हैं, वो ख़राब सेल आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो गाइस आप लोग देख सकते हो कि मैंने 4 सेल ले लिए हैं और ये जो सेल है ना, ये ख़राब सेल है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इन सेल को खोलना है और इनको खोलने के बाद के अंदर इस सेल के अंदर एक होगी कार्बन रोड और एक होगी जिंक प्लेट। तो हमें उन सभी को निकाल लेना है। तो यार दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि मैंने चारों कार्बन रोड को निकाल लिया है सेल के अंदर से और चारों जिंक प्लेट को भी निकाल लिया। और गैस आप लोग देख सकते हो कि मैंने जो ये जिंक प्लेट है, इनके अंदर होल करे हैं दो दो, ठीक है, चारों जिंक प्लेट के अंदर। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हम लोग एक वायर लेंगे और कुछ इस तरह से इस होल के अंदर डालेंगे और इसको कुछ इस तरह से फिक्स कर देंगे वायर को, आप लोग देख पा रहे होंगे। और उसके बाद में हम लोग दूसरी वाली जो हमारी प्लेट है, इसको लेंगे, इसके अंदर कुछ इस तरह से डालेंगे, आप लोग देख पा रहे होंगे। और इसको यहाँ से वापस से इस वायर को फिक्स कर देंगे। और जो हमारा बचा हुआ वायर है, इसको यहाँ से हम लोग कट कर लेंगे। ऑलराइट गाइस, तो आप लोग देख सकते हो इसी तरह से हम लोग जो हमारी चारों प्लेट है, इनको एक दूसरे के साथ में कनेक्ट कर देंगे। तो यार दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि हमने चारों जिंक प्लेट को एक साथ में कनेक्ट कर दिया है और इसी तरह से हमें जो ये कार्बन रोड है, इनको भी कनेक्ट करना है। तो यार दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि हमने जो कार्बन रोड है, उनको भी एक दूसरे के साथ में कनेक्ट कर दिया है। अब हमें ज़रूरत है 2 वायर्स की, आप लोग देख सकते हो। तो जो हमारा रेड वाला वायर है, ये हम लोग लगाएंगे कार्बन रोड के यहाँ पर ऊपर, आप लोग देख पा रहे होंगे। और गाइस जो हमारा जो ब्लैक वाला वायर है, इसको लगाएंगे हम लोग जिंक प्लेट के साथ में। और गाइस अभी जो हमारी जो जिंक प्लेट है ना, ये ज़्यादा फैली हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इन जिंक प्लेट को कुछ इस तरह से मोड़ लेंगे, फोल्ड कर लेंगे। तो यार दोस्तों हमें एक खाली बोतल की ज़रूरत है और हम लोग क्या करेंगे, इस खाली बोतल के ऊपर और एक नीचे हम लोग होल कर लेंगे। और होल करने के लिए मैं इस सोल्डिंग मशीन का यूज़ करूँगा। तो यार दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो ये जिंक प्लेट वाली जो ये वायर है, इसको ऊपर से डालेंगे, आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से। तो यार दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि मैंने जो जिंक प्लेट वाला जो वायर है, उसको बोतल के अंदर से निकाल लिया है और अब हम लोग इसको बंद करने के लिए ग्लूगन का यूज़ करेंगे। और गाइस आप लोग इसको बंद करने के लिए फेविक्विक या फिर एमसील का यूज़ भी कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, तो अब हमें ज़रूरत है एलोवेरा की और हम लोग एलोवेरा के अंदर से उसका जेल जो है, उसको निकालेंगे। यार दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि हमने एलोवेरा से हमारी जो बोतल है, उसको भर लिया है और अब हम लोग इसके अंदर ये कार्बन रोड डालेंगे कुछ इस तरह से, आप लोग देख सकते हो। तो यार फ्रेंड्स, हमारी जो बैटरी है ना, वो लगभग रेडी हो चुकी है, लेकिन अभी हमें ज़रूरत है इसको चार्ज करने की। और चार्ज करने के लिए हम लोग इसको 12 वोल्ट का करंट देंगे। और गाइस ये जो ऊपर वाला जो ये रेड वायर है, ये है प्लस का, और ये जो नीचे वाला ब्लैक वायर है, ये है माइनस का।
दोस्तों हमारी जो बैटरी है एक घंटे चार्ज करने के बाद में अच्छे से ये चार्ज हो चुकी है। अब मैं आप लोगों को इसको टेस्ट करके दिखाऊंगा। गाइस मैं मल्टीमीटर की मदद से आप लोगों को इसका वोल्टेज जो है चेक करके बताता, लेकिन गाइस हमारे पास में नॉर्मली घर पे मल्टीमीटर मौजूद नहीं होता है, तो मैं आप लोगों को ये मोटर जो है ये चला करके दिखाऊंगा। ये छोटी सी मोटर गाइस, ये 12 वोल्ट की मोटर है। तो चलिए गाइस करते हैं इसका टेस्टिंग शुरू। तो गाइस मैं हमारी जो बोतल है इसको रख देता हूँ एक जगह, और मैं हमारा जो वायर्स है इनको कनेक्ट कर देता हूँ। और गाइस पहले मैं मोटर को उठा लेता हूँ। तो यार गाइस आप लोग देख सकते हो कि मेरी जो ये छोटी सी मशीन है ये चालू हो चुकी है। ये थोड़ी अटक रही है क्योंकि ये पुरानी मशीन है। और देखो गाइस, गाइस ये देखो हमारी जो बैटरी है वो 100% वर्किंग है। और गाइस अब हम लोग हमारा जो ये एम्पलीफायर है, छोटा सा जो इन्वर्टर है, इसको चलाएंगे और देखेंगे कि क्या ये चल पाता है या नहीं चल पाता है। और दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो छोटा सा जो इन्वर्टर है ये चल रहा है, अच्छे से काम कर रहा है। और अब मैं जो हमारा बल्ब है इसको जला करके देखूंगा कि क्या ये जल पाएगा या नहीं जल पाएगा। तो यार दोस्तों आप लोग अच्छे से देख सकते हो कि हमारी जो बैटरी है ये पूरी तरह से वर्किंग है। और आप लोग देख सकते हो कि भाई हमारी जो बैटरी है ना वो 1000% काम कर रही है अच्छे से। और गाइस देखना, जैसे ही मैं यहाँ से वायर हटाऊंगा ये हमारा जो पूरा सेटअप है ये बंद हो जाएगा, और मैं जैसे ही यहाँ से इसको वापस से कनेक्ट करूँगा तो ये वर्क करने लग जाएगा। तो गाइस आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो बैटरी है ये पूरी तरह से वर्किंग है। गाइस इस बैटरी में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि ये जो बैटरी है ये चार्ज भी जल्दी होती है और ये डिस्चार्ज भी जल्दी हो जाती है। मैं इसको थोड़ी देर चलाऊंगा, लगभग 5 से 7 मिनट, तो बस ये डिस्चार्ज हो जाएगी हमारी बैटरी। आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो देख करके मज़ा आया होगा, आप लोगों ने इंजॉय किया होगा। गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तब तक के लिए जय हिंद। You fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side. Have me by your side when the sun sets. Let's leave for an eternity.